सेट का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग अपना अटेम्प्ट करना कैसे शुरू करते हैं, बट अगेन एक बात का तुम ख्याल रखोगे वो ये कि सिमिलैरिटी को रट्टा मत मारना, ठीक है। उसमें चीज़ों के रेशियो लगाने तुम्हें आने चाहिए कि किस तरीके से रेशियो अप्लाई करते हैं। तो गिवन और टू प्रूव ये वाली चीज़ तो आप लिख ही लेंगे, हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। तो तुम्हें अभी मैं ये चौथी बार बता रही हूँ, कल जब सिखाया था तो ट्रेपेजियम का एक इलस्ट्रेशन लिया था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारी टेक्स्ट बुक के दो ट्रेपेजियम के सवाल हो गए। एंड यहाँ पे ये सवाल ट्रेपेजियम का दिया तो नहीं है, बट मैंने जैसा तुम लोगों को ऑलरेडी बता के रखा था कि कई बार चीज़ें आपको ट्रेपेजियम की लिख कर नहीं आएंगी, बट ये हिंट इसके लिए काफ़ी होगी करके, बस ये बहुत सफिशियंट है अभी। तो ऐसे केस में देखो, सबसे पहले आप लोगों का जो इसका प्रूफ वाला पार्ट शुरू होगा, उस प्रूफ वाले पार्ट में कि आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल कैसा है, ABCD है। इस क्वाड्रिलैटरल ABCD में तुम लोगों को सेक AD पैरेलल दिया हुआ है किस चीज़ के, सेक BC के, ये एक इन्फॉर्मेशन। तुम्हें अब एक ट्रांसवर्सल चूज़ करना है, अब वो तुम्हारी चॉइस है तुम किसको ट्रांसवर्सल चूज़ करते हो। तो लेट्स से कि ये मेरे पास आप लोगों का ये सेक AD है, और मान लेते हैं कि ये आप लोगों का सेक BC है। तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसवर्सल के दो ऑप्शन है, मैं AC को भी एक ट्रांसवर्सल ले सकती हूँ, लेट्स से मैं BD को भी ले सकती हूँ। तो मैंने मान लेते हैं आप लोगों के BD को ये ट्रांसवर्सल कंसिडर कर लिया। तो अगर मैं BD को अपना एक ट्रांसवर्सल ले लूँगी तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि एंड सेक BD इज़ ए ट्रांसवर्सल करके, ठीक है। ये वाली चीज़ हम लोगों ने मैंशन कर दी। ट्रांसवर्सल लेकर हम लोगों का क्या मतलब है, हम लोगों को अल्टरनेट एंगल्स का क्या करना है, पेयर चूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में कौन है यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये वाला आप लोगों के पास बन गया, ठीक है, ये वाला आप लोगों के पास बन गया एक, और ये वाले अल्टरनेट एंगल का पेयर बन गया एक, बस एंगल ABD आपका इक्वल है बराबर कह रही हूँ। तुम्हें भी पता है कि हम लोगों को इतने बड़े नामों की मतलब, इतने बड़े नामों की मतलब जैसे ABB, तो B की कोई नीड ही नहीं है, हम लोगों को नीड किसकी है वहाँ पे B की जगह आगे P की, क्योंकि हम लोगों का जो ट्राइंगल रहेगा वो ADP रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वर्ड है आप लोगों का ADP, इस AD को हम उठा के यहाँ पे क्या कर देते हैं, P कर देते हैं। वैसे जो DBC है उसमें D की मुझे कोई नीड नहीं है, उसको उठा के मैंने क्या कर दिया आप लोगों का P कर दिया, तो ये हो जाएगा PBC। इससे कभी एंगल में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि एंगल तो हम वही रख रहे हैं ना, पहले भी देखो D था अभी भी D, एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का रीज़न क्या हो जाएगा आप लोगों का, B-P- यहाँ पे आ गया D। सो ये आगे मुझे नीड पड़ेगी, तो मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, सो नाउ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि किन दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो तुम जानते हो कि मुझे किन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, एक रहेगा आप लोगों का ये टॉप वाला, ठीक है, जिसका नाम रहेगा APD, ये वाला जिसमें पिंक शेड हो चुका है, ये APD, और दूसरा रहेगा उसके नीचे वाला, ठीक है, जिसमें ये ग्रीन कलर का शेड है, यानी कि कौन सा आप लोगों का BPC। बराबर, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। तो जिन भी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिख देनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका, इन ट्राइंगल APD, ये आ गया आपके पास एक, और दूसरा क्या आ जाएगा आप लोगों के पास ट्राइंगल के नाम पे CPB, तो ये आ जाएगा ट्राइंगल में CPB। अब मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो दो एंगल्स का पेयर भी काफ़ी है AS लगाने के लिए। एक तो मेरे पास ऊपर ही लिखा है कि मेजर एंगल ADP किसके इक्वल है, आपके मेजर एंगल PBC के, और गिव इट जस्ट इक्वेशन नंबर 1 से आया है, तो ये फ्रॉम 1। दूसरा जो रहता है करके, ठीक है, वो रहता है आप लोगों का क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर। तो अब यहाँ पे देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है करके आप लोगों का, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल को जरा ऊपर पता लगाओ, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट बीच का पॉइंट P है। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल में कौन है, एक है आपका APD, तो यहाँ पे आ जाएगा कि मेजर एंगल APD इक्वल है किस चीज़ के मेजर एंगल, नीचे से वर्टिकली कौन है, BPC, तो मेजर एंगल आप लोगों के BPC के। इसका रीज़न आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA में लिख रहे हैं, तुम लोग इसको पूरा ही लिखोगे लिखिंग करके, ठीक है। अच्छा, अब आगे में हम लोग
ये बात तो समझ में आ गई कि देयरफॉर ट्रायंगल आपका एपीडी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल सीपीबी के करके, बराबर। अच्छा, क्या रीजन दे देंगे इसको कि कहां से आया ये, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये चीज आई है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है या फिर फाइन क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। तो रेशियो की बात हो रही है तो पहले रेशियो लगाना सीख लेते हैं। तो एक रेशियो हम किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे, जो कि वर्टिकली अपोजिट है, जो वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो देखो जरा, ऊपर वाले पिंक वाले ट्रायंगल में जो आपका एंगल पी होगा, ठीक है, जो पॉइंट पी होगा, इसके ये वर्टिकली अपोजिट है ना, तो इसके सामने बोलो क्या आएगा, ए डी। तो यहाँ पे एक रेशियो क्रिएट हो जाएगा ए डी अपॉन में बी सी, ये एक रेशियो यहाँ से क्रिएट हो गया। अच्छा, दूसरा रेशियो देखो यहाँ से क्या क्रिएट होगा, अल्टरनेट एंगल वाला। तो एक अल्टरनेट एंगल ये, उसकी जोड़ीदार ये है, तो यहाँ पे डी के सामने में कौन है, ए पी, तो ए पी अपॉन में पी सी, ये वाली चीज क्रिएट होगी, ए पी अपॉन में पी सी, ये क्रिएट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या क्रिएट होगा, पी डी अपॉन में बी पी, एंगल मार्किंग के बेसिस पे मैं कर रही हूँ वाली चीज़, ठीक है। तो ये हो गया सी एस एस टी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करने के लिए मुझे किन रेशियोज़ की नीड है, जिसमें बी पी आता है और जिसमें डी पी आता है। तो बी पी और डी पी ये वाले दो रेशियोज़ को उठा लो। अच्छा, एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, ये एक तो यही रेशियो हो गया, तो दो रेशियो क्या है, यहाँ तो एक ही रेशियो है। तो अच्छा, वापस से क्वेश्चन को मुझे रीड करना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं कोई और दूसरा वर्ड भी देख लेते हैं। अच्छा, फिर क्या उठाना पड़ेगा, जिसमें ए पी और पी सी आता हो, तो ए पी और पी सी वाला सेकेंड रेशियो, तो ये हमने कंसिडर कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ए पी के नीचे में बोलो क्या चाहिए, पी डी चाहिए, बट मेरे ए पी के नीचे तो पी सी है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करना है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आपका अल्टरनेंडो कहते हैं, कि पी सी वहाँ चला जाएगा डी पी की जगह, नीचे में बी पी रहेगा इक्वल टू में ए पी अपॉन में डी पी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने लिख दी। तो ये इसका रीज़न आप लोग क्या दे दोगे करके, कि बाय अल्टरनेंडो, ठीक है, नाइन्थ क्लास से पढ़ाई वाला अल्टरनेंडो नामक प्राणी। तो बस ये हम लोगों का टू प्रूव हो गया, बट इसको बुक वाले के जैसे लिख देती हूँ मैं, कि ए पी अपॉन में पी डी, ठीक है, बुक वाले के जैसे पी सी अपॉन में बी पी, वैसा लिखना गलत नहीं है, बट फिर भी। तो देयरफॉर ये चीज़ यहाँ से क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। तो होमवर्क क्या है, वो वाली चीज़ मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट जो पीडीएफ आएगी उसको तुम्हें अटेम्प्ट करना है करके, ठीक है। तो वो ऑप्शनल है अटेम्प्ट करना, जिसको नहीं करना है बिल्कुल भी वो ना करे करके, और जो कर रहा है वो फिर अपना कैसा होमवर्क मुझे सेंड कर देना करके, ठीक है, क्योंकि कल हम लोग उसी होमवर्क पे डिस्कशन करने वाले हैं करके। वो ऐसा नहीं है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं उसका सोल्यूशन पुट नहीं करूँगी, उसका मैं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें से एक या दो लोग इनमें नॉर्मल एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए,